रिकॉर्डिंग हो रही है, स्टार्ट करता हूँ फिर मैं, ठीक है। एप्पल M1 इंटेल कोर i9 10900K, आज दोनों को कंपेयर करेंगे किसकी स्पीड तेज है और कौन सा बेटर है, कौन सा आपको खरीदना चाहिए, आज इसी टॉपिक पर इसी वीडियो में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोनों प्रोसेसर के सबसे पहले कोर्स की बात करेंगे, तो इसमें कितने कोर्स हैं। इंटेल i9 के अंदर आपको कोर मिलेंगे 10 कोर्स आपको इसके अंदर मिलेंगे, और एप्पल M1 के अंदर आपको 8 कोर्स देखने को मिलेंगे। दो कोर्स ज़्यादा हैं इंटेल i9 के अंदर एप्पल M1 के मुकाबले में। CPU थ्रेड्स की बात करते हैं तो CPU थ्रेड्स इंटेल i9 के अंदर आपको 20 थ्रेड्स देखने को मिलेंगे, और एप्पल M1 के अंदर आपको सिर्फ 8 थ्रेड्स ही मिलेंगे, जो कि इंटेल i9 के अंदर काफ़ी ज़्यादा थ्रेड्स हैं एप्पल M1 के मुकाबले में। कैच की बात करते हैं कितने MB कैच करेगा। इंटेल i9 आपका 20 MB कैच करेगा और एप्पल M1 आपका 16 MB कैच करेगा। यहाँ पर बस थोड़ा ही कम है एप्पल M1 इंटेल i9 के कंपैरिजन में। बेस क्लॉक स्पीड की बात करते हैं तो इंटेल i9 बेस क्लॉक आपको 3.7 GHz की स्पीड देगा और एप्पल M1 आपको 2.0 GHz की स्पीड देगा। यहाँ पर इंटेल i9 काफ़ी ज़्यादा है। टर्बो क्लॉक स्पीड की बात करते हैं तो इंटेल i9 आपको 5.3 GHz की स्पीड देगा, एप्पल M1 आपको 3.2 GHz की स्पीड देगा। इंटेल i9 काफ़ी ज़्यादा आगे है एप्पल M1 के कंपैरिजन में। सिंगल कोर स्कोर की बात करें तो इंटेल i9 को मिले हैं सिंगल कोर स्कोर में 1910 और एप्पल M1 को 1744, जो कि लगभग थोड़ा कमी है एप्पल M1 इंटेल i9 के कंपैरिजन में। मल्टी कोर स्कोर की बात करें तो इंटेल i9 आपको मल्टी स्कोर में 11350 का स्कोर मिला है और एप्पल M1 को 7676 का स्कोर मिला है, जो कि इंटेल i9 काफ़ी ज़्यादा आगे है एप्पल M1 से। लाइटनोग्राफी की बात करें तो इंटेल i9 आपको 14 nm की चिप देगा और एप्पल M1 के अंदर आपको 5 nm की ही चिप मिलेगी, जो कि काफ़ी छोटी है इंटेल i9 के कंपैरिजन में। पावर कंजप्शन की बात करें तो पावर कंजप्शन इंटेल i9 के अंदर आपको 125 वॉट्स का होगा और एप्पल M1 के अंदर आपको 10 वॉट्स का पावर कंजप्शन मिलेगा, जो कि बहुत कम है एप्पल M1 का पावर कंजप्शन इंटेल i9 के कंपैरिजन में। एज की बात करते कब लॉन्च हुए थे ये दोनों। इंटेल i9 आपके 20 अप्रैल 2020 को लॉन्च हुआ था और एप्पल M1 20 दिसंबर 2020 को हुआ था, जो कि एप्पल M1 काफ़ी पहले हुआ था, 6 से 7 महीने हो रहे हैं और इतने पहले हुआ था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल, ठीक है, ओके।